हेलो बच्चों, बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं और उन मासूम बच्चों के बहुत सारे मासूम मासूम क्वेश्चंस होते हैं। उन मासूम क्वेश्चंस का आज जवाब देने के लिए आया हूं मैं। उन बर्निंग क्वेश्चंस का आज जवाब देने के लिए आया हूं मैं। आज के इस सेशन में होने वाली है बेटा ढेर सारी मस्ती और बहुत सारी मोटिवेशन। आज बेटा हम आग लगा देंगे। बेटा आज का जो सेशन है, आप लोगों के मन में उठने वाले कुछ प्रश्नों का जवाब देने के लिए है। ठीक है, जो आपके मन में उठने वाले कुछ मासूम प्रश्न हैं, उनको शांत करने के लिए आया हूं मैं। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर ये। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चा पूछ रहा है कि सर आप पढ़ाते हैं तो सब समझ आता है, आप पढ़ाते हैं तो सब समझ आता है, पर ये पर बड़ा खतरनाक है बेटा। पर, किंतु, परंतु, जब मैं खुद क्वेश्चन करता हूं तब होते ही नहीं है, बेड़ा गर्क। सर आप पढ़ाते हैं तो सब समझ आता है, लेकिन जब मैं खुद क्वेश्चन करने बैठता हूं तो होता ही नहीं है। सर बताओ मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। साड़ा कुत्ता। तो देखो बेटा, ये मेरे को लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा। ठीक है कि सर आप पढ़ाते तो हैं, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार सुना है। केवल ऑनलाइन में ही नहीं बेटा, ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाया करता था ना, तब भी बच्चे इस क्वेश्चन के साथ मेरे सामने आया करते, सर आप पढ़ाते हो सर बड़ा आसान लगता है फिजिक्स, ऐसा लगता कि फिजिक्स हलवा है, कुछ है ही नहीं, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो हमसे होता ही नहीं है। सर ये कैसे हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो रहा है। अच्छा जी, अब इसका क्या जवाब दे बच्चे को। तो मैं सोच रहा हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब अगर अलग सर से पूछा जाता तो अलग सर क्या कहते। अगर बच्चा अलग सर से पूछता कि सर बताओ मैं क्या करूं, बताओ ना सर, तो सर क्या कहते। व्हाट वुड अलग सर से, क्या कहते अलग सर, सोचो अलग सर कहते बेटा। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। क्या जोक सपाट। देखो बेटा, ये एक गंभीर क्वेश्चन है जिसका जवाब जानना आपका हक है, जब इसका जवाब जानोगे तभी आप इसके ऊपर वर्क कर पाओगे कि ऐसा क्यों होता है। जब एक टीचर आपको पढ़ाता है, केवल मैं नहीं, जब कोई भी एक टीचर आपको पढ़ाता है तो आपको उसका पढ़ाया हुआ सब समझ में आता है और बहुत सिंपल भी लगती हैं चीजें, लेकिन जब आप खुद करने बैठते हो तो आपको लगती हैं चीजें डिफिकल्ट, तब लगती हैं आपको चीजें डिफिकल्ट, ऐसा क्यों होता है। तो अपनी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं। भाई देखो, फिजिक्स में बिना न्यूमेरिकल के कुछ होता ही नहीं है, फिजिक्स के अंदर बिना न्यूमेरिकल के तो कुछ होता ही नहीं है बच्चों। तो अपनी बात को समझाने के लिए मैं आपको देता हूं एक छोटा सा न्यूमेरिकल, ठीक है ना। इस न्यूमेरिकल को फटाफट करना है, इस न्यूमेरिकल को करने के लिए आपका समय होगा एक मिनट का, और एक मिनट में फटाफट अपना आंसर निकालकर आपको कमेंट्स में मार्क करना है अपना आंसर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स। आपके सामने बेटा ये ज्योमेट्री बनी हुई आ रही है, इसके जितने भी इंटरनल एंगल्स है ना बेटा, उनका सम निकालना है, जितने भी इंटरनल एंगल्स हैं उनका बेटा सम निकालना है आपको। आपका समय शुरू होता है बेटा अब। फटाफट बेटा पॉज कर लें स्क्रीन को और एक मिनट के अंदर आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है बेटा। तो मैं गिनती गिनूंगा 5 सेकंड तक, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। 5 सेकंड आपके हो गए हैं बेटा पूरे, मतलब एक मिनट का आपने पूरा सॉल्व कर लिया होगा और अपना आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। अब मैं बताता हूं आपको इसका आंसर।
मेरे को उम्मीद है कि एक मिनट में जिस बच्चे ने ईमानदारी से इसको अटेम्प्ट किया होगा, आई थिंक कि 75% बच्चे इसका सही आंसर नहीं दे पाए होंगे. 75% बच्चे इसका आंसर सही नहीं दे पाए होंगे. बेटा बेटा सच सच कमेंट बॉक्स से बताना कि आप इसका आंसर सही दे पाए थे या नहीं दे पाए थे. सच सच बताना है, झूठ नहीं बोलना है. झूठ नहीं बोलना, याद रखना बेटा, झूठ नहीं बोलना है. सच सच बताना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपने इसका आंसर सही दिया था या नहीं दिया था, एंड विद इन वन मिनट दिया था या नहीं दिया था. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. अब क्वेश्चन है आपके पास क्या कि आपको सारे इंटरनल एंगल्स का निकालना है सम. कैसे निकालेंगे? एक तो बड़ा फॉर्मूला भी होता है इसको निकालने का, बट लेट अस से कि हम फॉर्मूले में फिलहाल नहीं जा रहे हैं, हम लॉजिक से कैलकुलेट करने की करते हैं कोशिश. आइए देखते हैं. तो पहले इंटरनल एंगल्स मार्क कर लेते हैं बेटा. तो हमने कहा देखो ये एक इंटरनल एंगल है, 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 ये एक इंटरनल एंगल है. क्या और भी इसमें इंटरनल एंगल है? यस बेटा, ये भी एक इंटरनल एंगल है, ये भी एक इंटरनल एंगल है, और ये भी बेटा एक इंटरनल एंगल है. ये सारे क्या है बेटा? इंटरनल एंगल ऑफ दिस ज्योमेट्री है बेटा. इन सब का सम निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसका सम? देखिए क्या करेंगे इसमें. हमने कहा कि लेट अस से हमने यहां पर इस तरीके से करेक्ट कर दिया, फिर हमने यहां पर इस तरीके से करेक्ट कर दिया, फिर हमने यहां पर इस तरीके से करेक्ट कर दिया, फिर हमने यहां पर इस तरीके से करेक्ट कर दिया, फिर हमने यहां पर इस तरीके से करेक्ट कर दिया. कितने ट्रायंगल बन गए? एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल, पांच ट्रायंगल, छह ट्रायंगल बन गए. यस और नो? अब देखो इन सब ट्रायंगल्स के एंगल्स को जोड़ोगे तो यही तो सारे कसम आएगा, है ना भाई? तो आप क्या कह रहे, एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. कितने ट्रायंगल बेटा? छह ट्रायंगल हैं. छह ट्रायंगल्स के इंटरनल एंगल का सम होगा 180 गुना 6. सिंपल, बहुत सिंपल है. तो ये हो गया बेटा 81080 डिग्री. ये आपका आंसर आ गया. अब आप जाके चेक कर सकते हैं बेटा कितने बच्चों ने सही, कितने बच्चों ने गलत कहा. मेरी उम्मीद है कि सबने सच सच बोला होगा, झूठ नहीं बोला होगा, ठीक है ना? ये इसका आंसर आ रहा. अब आप देखो कितने बच्चे इसका आंसर सही कर पाए, कितने बच्चे एक मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए. अब आपने इस क्वेश्चन को कब सीखा था? आई थिंक सिक्स्थ या सेवन्थ क्लास में इस बात को सिखा देते हैं कि एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है, ठीक ना? आई थिंक ये सिक्स या सेवन्थ क्लास में सिखा दिया जाता है. तो बेटा ये सिक्स या सेवन्थ क्लास का क्वेश्चन है. आप 11वीं 12वीं ड्रॉपर के बच्चे होंगे तभी ये देख रहे होंगे, ठीक है ना? अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो ये चीज आपको आनी चाहिए थी. एक मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए था, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे मेरी उम्मीद है कि नहीं कर पाए इस क्वेश्चन को, नहीं कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को. समय लेते, टाइम लेते, धीरे धीरे शायद कर देते, लेकिन एक मिनट में तो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता. अब आप कह रहे हैं कि सर छठी क्लास का क्वेश्चन है, उसे करने में दिक्कत आ रही है, आईआईटी का क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए. और जबकि जो क्वेश्चन करने की पूरी नॉलेज है वो आपको दे रखी है, क्वेश्चन करने की जो पूरी नॉलेज है वो आपको दे रखी है, उसके बावजूद भी क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी अगर आ रही है तो क्या कारण है? कारण है बेटा द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज and application of knowledge. The difference is between knowledge and application of knowledge. ये डिफरेंस है बेटा, नॉलेज एंड उसकी एप्लीकेशन का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है. नॉलेज क्या थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? ये नॉलेज है कि एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है. ये नॉलेज है. अगर ये नॉलेज नहीं है तो इस क्वेश्चन को करना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना? ये है बेसिक नॉलेज जो आप सबके पास होगी, ये आप सबके पास होगी बेटा नॉलेज. लेकिन इसके ऊपर बेस जब ये क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन नहीं बना. इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन का मतलब है कि इसको, इस ज्योमेट्री को भी बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस ज्योमेट्री को भी हम क्या कर सकते हैं, यहां पर वी कैन ब्रेक इट इंटू
ट्रायंगल्स, हम इसको ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। ये है आपके नॉलेज की एप्लीकेशन। आपको जो चीज पता है क्वेश्चन को उस रूप में ढालना है, क्वेश्चन को उस रूप में ढालना है। नॉलेज एक टीचर देता है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आपका आईक्यू करता है, ठीक है ना बेटा। अब आपको केवल और केवल नॉलेज से काम नहीं बनेगा, आपको केवल नॉलेज से काम नहीं बनेगा, आपको एप्लीकेशन भी सीखनी होगी, ठीक है ना। और एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है। द मोर यू पुट योर ब्रेन इन टू द सब्जेक्ट, इजियर इट विल बिकम। देखिए फिजिक्स क्या है बेटा, फिजिक्स छोटी छोटी पजल्स हैं। फिजिक्स क्या है, छोटी छोटी पजल्स हैं। उन पजल्स की गुथियों को आपको सुलझाना है, उन पजल्स की गुथियों को आपको सुलझाना है, ठीक है ना। फिजिक्स कह लो, मैथमेटिक्स कह लो, केमिस्ट्री में भी गुथियां होती हैं जो आपको सुलझानी होती हैं, ठीक है ना। अब उन गुथियों को सुलझाने के लिए जो नॉलेज है वो आपके पास है, वो नॉलेज आपके पास है बेटा, लेकिन फिर भी उनको क्या करना है बेटा, अनवाइंड करना है आपको। तो कैसे कर पाएंगे अनवाइंड, प्रैक्टिस। फिजिक्स इज लाइक, फिजिक्स या साइंस यू कैन से इज लाइक प्लेइंग अ चेस गेम, इज लाइक प्लेइंग अ चेस गेम, ठीक है ना। चेस गेम में क्या होता है, आपको पता है हाथी कैसे चलता है, घोड़ा कैसे चलता है, ऊंट कैसे चलता है, लेकिन फिर भी आपको सोचना है कि कौन सी चाल चले। आपको बेटा सोचना पड़ेगा ना कौन सी चाल चले। ये कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी चाल चले, ये तो कोई सिखा नहीं सकता। सारे रूल बता दिए गए हैं, सिचुएशन आपके सामने है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब सिचुएशन जब सामने आएगी तो एकदम से दिमाग खुलेगा बेटा इसमें ये कर दे तो जीत जाएगा। आप फंसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके फ्रेंड ने आपको बताया, आपका फ्रेंड आपके पास आया, आपके फ्रेंड ने आपको बताया कि देखो बेटा अपने हाथी को उठाकर यहां से यहां रख दो तो चेकमेट हो रहा है सामने वाले का। और जैसे ही उसने वो चाल बताई, आपको वो चाल दिखाई दे गई, आपने कहा ठीक है भैया मैंने हाथी उठाकर यहां से यहां रखा, मैं जीत गया। लेकिन अगली बार जब चेस की गेम खेलोगे फिर से आप फंस जाओगे और आपका फ्रेंड फिर से आपको बता सकता है कि क्या चाल आपको चलनी चाहिए। क्या डिफरेंस है आप में और आपके फ्रेंड में। आपका फ्रेंड हर बार चाल क्यों सोच पा रहा है और आप वो चाल क्यों नहीं सोच पा रहे हो बेटा। द डिफरेंस इज इन द प्रैक्टिस, द डिफरेंस इज इन द प्रैक्टिस बेटा। अभी आपने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी है, अभी आपका दिमाग उस चीजों को, उन मूव्स को फोर्सी नहीं कर पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, विजुलाइज नहीं कर पा रहा है। रूल्स आपको पता है, गेम के रूल्स आपको पता है, लेकिन अभी दिमाग खुला नहीं है। तो दिमाग को खोलने के लिए, दिमाग को खोलने के लिए क्या करना है आपको बेटा, दिमाग को खोलने के लिए आपको उतना ही प्रैक्टिस ज्यादा करना होगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे दिमाग उतना ही ओपन हो जाएगा, जितना दिमाग ओपन हो जाएगा उतना ही तेजी से आप अपना काम, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर पाएंगे। मेरे से पढ़ के जाएंगे, किसी और टीचर से पढ़ के जाएंगे तो आपको नॉलेज तो मिल जाएगी बेटा, लेकिन आपका दिमाग डेवलप नहीं होगा। दिमाग डेवलप करना है तो क्वेश्चंस की घर में बैठ के प्रैक्टिस करनी होगी, जहां अटकोगे उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मान लिया आपके सामने एक बुक में 10 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आपने 1 घंटे के अंदर बैठ के फटाफट उनको सॉल्व किया, ठीक है ना। उसमें से 7 क्वेश्चन तो बड़े आराम से आपसे हो गए, 3 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, 3 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, तो क्या करोगे आप, उन 3 क्वेश्चन को छोड़ दोगे, बेकार क्वेश्चन है, बनेंगे नहीं, तो ये बड़े मुश्किल क्वेश्चन है बेटा। असलियत में देखा जाए ना तो जो 7 क्वेश्चन आपसे बन गए थे पहले ही अटेम्प्ट में, जो 7 क्वेश्चन आपसे बन गए थे वो आपके लिए कूड़ा थे, वो आपके लिए वेस्ट थे, उन्होंने आपका समय बर्बाद किया था। असली क्वेश्चन तो वो 3 क्वेश्चन है जिनसे आपको सीखना है, लेकिन आप क्या करते हो, उन 3 को ही छोड़ के बैठ जाते हो। ये तो पहले बार में बन ही नहीं रहा है, ये तो पहली बार में नहीं बन रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन को छोड़ दो। क्या करेंगे इस क्वेश्चन का, किसी से पूछेंगे, सोचेंगे नहीं, किसी से पूछेंगे। जब आप किसी से पूछोगे ना और वो आपको बताएगा ना, आपको चाल दिख जाएगी, आपको चाल दिख जाएगी, आपको मूव दिख जाएगा, वो क्वेश्चन आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। अगली बार फंसोगे, फिर आप फंस जाओगे, आपका फ्रेंड फिर बता ले जाएगा,
जब तक आप खुद से उस क्वेश्चन को, जितने चीजें चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, वो टीचर लोग आपको प्रोवाइड करते हैं कि बेटा देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये टूल चाहिए, ये टूल चाहिए, एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, ये सिचुएशन होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, ये लॉ होता है, ये थ्योरी होती है, ये थ्योरम होती है, ये फॉर्मूला होता है, सारे टूल्स हम आपको देंगे, लेकिन आपका काम क्या है, उन सारे टूल्स की इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में फीड कर लेना। जैसे गेम होती है ना कि भैया ड्रैगन आएगा तो मुझे ये वाली बंदूक चाहिए क्योंकि ये बंदूक ऐसे मारती है, ठीक है ना, पबजी तो खेलते होंगे, ठीक है। तो जब आपके बात समझ में आ रही है कि भैया अलग अलग चीजों के लिए मुझे अलग अलग टाइप की बंदूक चाहिए, तो आपके पास थ्योरी किस चीज की थी, आपके पास थ्योरी थी बंदूकों की, ये बंदूक ऐसे काम करती है, ये बंदूक ऐसे काम करती है, स्नाइपर का काम ये होता है, शॉटगन का काम ये होता है, सारी थ्योरी आपके पास थी। अब थ्योरी आपके पास थी, सिचुएशन के सामने, जब सिचुएशन आपके सामने आई, दुश्मन बहुत दूर है, छत पे आप खड़े हो, दुश्मन बहुत दूर है, उसको उड़ाना है, तो आपने कहा भैया शॉटगन से काम नहीं चलेगा, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्नाइपर निकालना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो सिचुएशन के हिसाब से आप अपने टूल्स का करेंगे इस्तेमाल, और टूल्स देंगे हम लोग आपको टूल्स दे रहे हैं, टीचर लोग आपको टूल्स दे रहे हैं, बुक्स आपको टूल्स दे रही हैं, नॉलेज दे रही हैं, उनको अप्लाई करने का तरीका भी बता रही हैं, लेकिन आपको सिचुएशन समझनी है, उन सारे टूल्स को समझना है, दिमाग के अंदर फीड करना है। और कब होगा ये, कब होगा ये, जब आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार जब आप चेस खेलेंगे, बार बार फंसेंगे, बार बार उसके बारे में सोचेंगे, बार बार निकलेंगे उस सिचुएशन में से, तब जाकर आपको उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि उसके बाद आपसे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। फिजिक्स के अंदर स्पेशली, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो मैं अगर उसके बारे में ज्यादा बात करूं तो बेहतर रहेगा। फिजिक्स के अंदर जब आप स्टार्टिंग में इनपुट डालना शुरू करते हो ना, तो आउटपुट नहीं आता, क्योंकि अभी आपका ब्रेन उतना डेवलप नहीं हुआ होता, आपके दिमाग में सारी चीजें फिट नहीं हुई होती हैं, चीजें आपस में जो इंटर रिलेटेड होती हैं वो चीजें फिट नहीं हुई होती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप फिजिक्स में अपना इनपुट डालते जाओ, तो क्या होता है, ये हम कहते हैं, मान लिया ये आउटपुट है बेटा, ये क्या है बेटा, ये आउटपुट है और ये इनपुट है, ये इनपुट है, ठीक है ना। आपने कोई इनपुट नहीं डाला तो आउटपुट नहीं निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। आप इनपुट डाल रहे हो, आउटपुट बहुत कम, इनपुट डाले जा रहे हो, डाले, आउटपुट निकल ही नहीं रहा है, बड़ा मुश्किल हो रही है आउटपुट निकलने में। लेकिन सडनली यू विल रियलाइज यू विल बी एबल टू सॉल्व मैनी क्वेश्चन एंड योर आउटपुट विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, बिकॉज जैसे जैसे आपका ब्रेन डेवलप होगा ना, जब आप वापस से अपने पुराने फंसे हुए प्रॉब्लम्स को रिविजिट करोगे, आप उनको मक्खन की तरह बनाना शुरू कर दोगे, और इसमें था क्या, ये तो बहुत सिंपल था, क्योंकि अब वो चीजें आपको दिमाग में बैठना शुरू हो गई हैं, अब आप चीजें इंटरलेट कर पा रहे हो, अब आप सारी चीजें समझ पा रहे हो। तो अगर आप अभी इस पड़ाव पर हो तो घबराना नहीं है, इनपुट डालते जाओ, खुद को क्रैक नहीं होना है, प्रॉब्लम को क्रैक करना है, ध्यान रखना आपको, इनपुट डालते जाओ, अ टाइम विल कम दैट योर आउटपुट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली बेटा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा आपका आउटपुट, आपके इनपुट, थोड़ा इनपुट डालने पे जबरदस्त आउटपुट आपका आना शुरू हो जाएगा। वो दिन वो होगा कि जब आप कम भी क्वेश्चन करोगे ना, उसके बाद भी आपके मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, उसके बाद आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे, बेटा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। स्टार्टिंग में इनपुट ज्यादा लगेगा, आउटपुट बहुत स्लो दिखेगा, लेकिन इवेंचुअली आउटपुट बहुत तेजी से आपको आता हुआ दिखेगा, स्पेशली इन फिजिक्स जहां पर भी न्यूमेरिकल होंगे, स्पेशली वहां पर ये चीज होने वाली है आपके पास। तो बेटा ये था आपका बर्निंग क्वेश्चन नंबर 1। जैसे बच्चे ने कहा कि सर आप पढ़ाते हो तो सब समझ में आता है, खुद करता हूं तो क्वेश्चन बनता नहीं है। अब हम बात करेंगे बेटा बर्निंग क्वेश्चन नंबर 2 की। ये आ रहा है आपके स्क्रीन पर, ये दिल थाम के बैठिए, बर्निंग क्वेश्चन नंबर 2, आग लगी हुई है, आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि शार सारा टाइम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पर ही निकल जाता है, क्या करूं मैं सर, बताओ ना मैं क्या करूं। मतलब सारा टाइम जो है मेरा व्हाट्सएप पे निकल गया, दोस्तों के मैसेज आते रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत है हमारी लाइफ में, हम क्या करें,
ठीक है ना, मतलब सारा टाइम व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा, आजकल बच्चे तो फेसबुक कम चला रहे हैं इंस्टा चला रहे हैं, बट फिर भी ठीक है ना निकल जा रहा है सर, मालूम नहीं पड़ता निकल जाता समय हमारा, मालूम ही नहीं पड़ता सर हमारा समय कहां गया, हम तो कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि हमारा समय कहां जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का बेटा ये है, ठीक है, और फिर मैं उनको जब रियलाइज कराता हूं ना बेटा कि आपके पास समय बहुत है आप वेस्ट ज्यादा कर रहे हो, तो बच्चा यही कहता सर समझ ही नहीं आता कहां निकल जाता नहीं। ठीक है, 24 घंटे होते हैं 8 घंटे सो भी जाओ ना आप, 8 घंटे अगर आप सो भी जाते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, 24 में से आप 8 घंटे 16 घंटे आपके पास हैं, खाना पीना नहाना धोना आराम करना रेस्ट करना 3 घंटे निकाल दो 13 घंटे आपके पास है, 13 घंटे में तो अगर आप 10 घंटे भी पढ़ते 3 घंटे और ऐश कर लो बहुत होता है 10 घंटे, इट इज इनफ टाइम, 10 आवर्स अ डे अगर आप पढ़ लेते तो बहुत 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 टाइम आपने पढ़ लिया, उतने में जो होना हो जाएगा बेटा, 10 घंटे पर डे पढ़ लिया बहुत हो गया, 8 घंटे सो लिए उसके अंदर 6 घंटा आराम कर लिया आपने, खाना पीना नहाना धोना 6 घंटे में कर लिया आपने अपना, ठीक है, उसके बाद जाके आकर 10 घंटे बचते हैं, आ रही समझ में आपको, इतना समय है आपके पास बड़ा, आप वेस्ट कहां करते हो, कहां करते हो आप वेस्ट, आप कहते हो सर सारा टाइम व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा पर निकल गया, मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मैं मर जाऊं मेरी कोई फीलिंग नहीं है। अलग सर क्या कहते हैं इस बारे में भाई, अलग सर क्या कहेंगे उनके बारे में जानना जरूरी है, व्हाट विल अलग सर से, गेस करो, तेरा भी कटेगा फिर तो फिजिक्स पड़ेगा। वेरी 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 पॉपुलर कोट, वेरी पॉपुलर कोट, कि तेरा भी कटेगा तब तू जाकर फिजिक्स पढ़ेगा बेटा। इंसान धक्के खा के सीखता है अपनी लाइफ में, ठीक है ना, नीचे लिखा सर ने हैश निब्बा निब्बी, व्हाट्सएप फेसबुक लगे पड़े हो निब्बा निब्बी लगे पड़े है, सोना बाबू कैसा है मेरा है खाना खाया नहीं खाया, तेरा भी कटेगा फिर तो फिजिक्स पढ़ेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस किसका। खैर जोक्स अपार्ट, लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज प्रायोरिटाइज योर वर्क, आपको अपने काम को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या जरूरी है क्या कम जरूरी है, क्या अर्जेंट है क्या इंपॉर्टेंट है, आपको अपने काम को बेटा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपको सर थोड़ा एग्जाम्पल दे के बताओ ना, ऐसे समझ में ना आता है, थोड़ा एग्जांपल देके समझाओ कि क्या कहना चाह रहे हो आप। देखो सिंपल सी बात बताता हूं, अपनी बात बताता हूं, अपने पे लेके समझाता हूं आपको। देखो मेरे जमाने में तो खैर ये फेसबुक और इंस्टा और ये व्हाट्सएप नहीं हुआ करते थे, मेरे जमाने में तो खैर इंटरनेट भी एक लग्जरी हुआ करती थी, जितना आप इंटरनेट एक दिन में कंज्यूम करते हो ना उतना हम एक महीने में हमें करने को नहीं मिलता था, ठीक है ना, लग्जरी हुआ करती थी, जिसके पास इंटरनेट है वाह वाह क्या बात है इंटरनेट है तुम्हारे पास, कैफे जाया करते थे हम लोग। कुछ काम होता तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, तो उस टाइम में तो हम कह रहे थे एसएमएस के पैड लगाया करते थे, एसएमएस से बातें हुआ करती थी, क्वार्टरी पैड अब तो टच पैड है आपका, बोल के लिख देते हो मैसेज अपना, मतलब बोल के उसको मैसेज भेज देते हो तो लिखना पड़ता था, क्वार्टरी के अंदर तो लिखते थे, ठीक है ना, तो खैर हमारे टाइम में जब दूरदर्शन हुआ करता था, ठीक है, आज से लगभग 14-15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आप लोगों, ठीक है ना, तो 2004 में मैंने अपना मतलब कॉलेज में गया था, ठीक है, 2004 के अंदर, तो आप समझ लीजिए अब कितना टाइम हो गया, 16 साल के 15-16 साल आपके हो चुके हैं, ठीक है, तो 16 साल पुरानी बात बता रहा हूँ बेटा, उस टाइम पे दूरदर्शन आया करता था, ठीक है ना, और दूरदर्शन के अंदर कुछ नाटक आया करते थे बढ़िया बढ़िया, कौन कौन से आते थे, शक्तिमान, अलिफ लैला, चंद्रकांता, अलादीन, डक टेल्स, ठीक है ना, और आई वाज अ ह्यूज फैन बहुत देखता था मैं, ठीक है, अच्छा जी अब देखना भी है, लेकिन आई वाज अ गुड स्टूडेंट, तो मेरे लिए जो प्रायोरिटी थी हमेशा मेरे काम की थी, मेरी पढ़ाई की प्रायोरिटी हमेशा हुआ करती थी, आई नेवर सेक्रीफाइज्ड माई स्टडीज फॉर दीज थिंग्स एंड आई नेवर सेक्रीफाइज शक्तिमान फॉर पढ़ाई एज वेल। दोनों कैसे बैलेंस किया, बैलेंस होना जरूरी है लाइफ के अंदर, बैलेंस होना जरूरी है, अगर अनबैलेंस लाइफ हो गई ना तो चीजें खराब हो जाएगी, केवल पढ़ते ही रहेगा ना लाइफ के अंदर तो भी गलत है बेटा, लाइफ जी ही नहीं पाओगे, एक टाइम पे जाके आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, केवल पढ़ते ही रहेगा ना तो भी लाइफ गलत हो जाएगी बेटा आपकी, पढ़ना खेलना दोनों जरूरी है बेटा, बट बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, देयर हैज टू बी अ बैलेंस एंड प्रायोरिटी, बैलेंस एंड प्रायोरिटी, अगर दोनों चीजें एक साथ हो रही है तो मुझे क्या चूज करना है क्या छोड़ना है, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर हेड, पढ़ाई एंड शक्तिमान।
ठीक है। तो अब क्या कर रहा था कि मान लिया एक कोई पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम पे शक्तिमान आ रहा है, मान लिया रात को 8 बजे आ रहा है शक्तिमान, ठीक है। तो आई वॉज लाइक कि मुझे ना मैनेज करनी चाहिए कुछ इस तरीके से कि मेरी पढ़ाई भी सफर ना हो और मेरा शक्तिमान भी सफर ना हो, ठीक है। तो मैं 2-3 तरीके अपनाता था। पहला तरीका मैं कहता था कि भैया, मैं कहता था कि भैया मुझे 8 बजे से पहले इतना काम पूरा करना ही करना है। मतलब जो मेरे लिए डीमोटिवेशन थी ना कि शक्तिमान आने वाला है, मैंने उसको अपना मोटिवेशन बनाया कि शक्तिमान देखना है तो पहले इतना कंप्लीट मैं करके रहूंगा, ठीक है ना। 5 बजे से बैठ के काम करने लगे, खट 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 कर काम करो, घड़ी नजर आ रही है, अरे शक्तिमान आने वाला है, काम करो काम करो काम करो काम करो, काम खत्म करना है पहले, उतर काम खत्म करना है, ठीक है ना, फटाफट 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 करो, ठीक है ना। तो वो जो चीज थी, वो जो चीज थी, मुझे शक्तिमान देखना है लेकिन काम भी सफर नहीं होना चाहिए, उसके चक्कर में शक्तिमान ही मेरी मोटिवेशन बन गया। शक्तिमान मेरी मोटिवेशन बन गया कि भैया मुझे देखना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, मैं पहले इतना काम करके रहूंगा तब जाकर मैं शक्तिमान देखूंगा, ठीक है ना। तो शक्तिमान ने ही कहा कि भैया देखना है तो पहले इतना काम कर ले। आ रही समझ में आपको? या फिर दूसरी तरीके से मैं क्या करता था, मैं बोलता था घर में कि भाई मम्मी मैं 8 बजे ही खाना खाऊंगा, 8 बजे ठीक मेरे को खाना दे देना, 8 आधा घंटा मेरा जो है वो नाटक चलने वाला है, मैं उसके अंदर अपना वो नाटक देख लूंगा, खाना भी खा लूंगा, खाना भी हो जाएगा, नाटक भी हो जाएगा, ब्रेक भी हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे बेटा। आई वैसे समझ में? चीजों को मैनेज करना होता है, ठीक है ना। वैसे ही आपको प्लान करना होगा, मैनेज करना होगा, प्रायोरिटी समझनी होगी और टाइम देना होगा उस चीज को, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन शक्तिमान एंड फेसबुक इज, शक्तिमान तो आधे घंटे का, 1 घंटे का ही आएगा ना, फेसबुक पर क्या है, करते जाओ स्क्रॉल, करते जाओ स्क्रॉल, करते जाओ स्क्रॉल, फिर एक बार रिफ्रेश मार दो, फिर करते जाओ स्क्रॉल, फिर करते जाओ स्क्रॉल, खत्म ही नहीं होता, वो चलते ही रहता है जितना मर्जी देखते रहो। तो वो 1 घंटा कब, 2 घंटा कब, 3 घंटा कब, 4 घंटा में जाता आपको मालूम ही नहीं पड़ता है, और दिन में ऐसा 4 से 5 बार कर देते हो आप, 4 से 5 बार ऐसा कर देते हो, ठीक है ना। तो आपको अगर फेसबुक इंस्टाग्राम या कुछ भी चलाना है तो चलाइए, बट उसका एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उसका एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में मैं ये चलाऊंगा, उसके अलावा मैं फोन को छूंगा नहीं, देखूंगा नहीं। लेट इट बी अ क्रेविंग कि उस टाइम पर जाकर ही मेरे को फोन चलाना है, उस टाइम पर ही जाकर मुझे फोन चलाना है, उस टाइम पर जाकर मुझे टीवी देखना है, उस टाइम पर जाकर इंटरनेट सर्फ करना है, उस टाइम पर सोशल साइट्स पर जाना है, उस टाइम पर सॉन्ग सुनने हैं, व्हाटएवर, और उससे पहले मुझे ये काम करना है और उसके बाद मुझे ये काम करना है। लाइफ में प्रायोरिटीज अगर आपने डिसाइड कर ली तो चीजें सिंप्लीफाई ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, चीजें अपने आप ही सिंप्लीफाई हो जाएंगी आपकी, आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात होगी ही नहीं। आपको ही ढूंढना पड़ेगा कि आप अपनी वीकनेस को किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो। लेट दैट मोटिवेट यू कि भैया अगर मुझे 8 से 9 तक या 8 से 10 तक फोन चलाना है तो उससे पहले मुझे इतना काम करना है, उससे पहले मुझे SC वर्मा के इतने क्वेश्चन करने हैं, उससे पहले मुझे सारे लेक्चर सर के देखने हैं, ठीक है ना। जो भी आपके पास काम पेंडिंग है उसे खत्म करना है उससे पहले, फिर 8 से 10 मेरा एंजॉयमेंट का टाइम, या 8 से 9 तो मेरा एंजॉयमेंट का टाइम, और उसके बाद वापस से मैं जो है इतने टाइम तक पढ़ाई करूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें जो है प्रायोरिटाइज अपनी करिए। एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा आप स्पेशली बताइए, जो फोन है इट्स अ वेरी 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 बैड हैबिट, इट नॉट ओनली डिस्ट्रॉय योर आईज, इट डिस्ट्रॉयज योर कंप्लीट हेल्थ। आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर थोड़ा समय एक्सरसाइज के लिए जरूर रखिए, थोड़ा समय योगा के लिए रखिए, वॉक के लिए रखिए, ठीक है बेटा, इन सब चीजों के लिए रखिए ताकि आपकी हेल्थ भी सफर ना करे, वर्क भी हो, काम भी हो, फन भी हो, मजा भी हो, हेल्थ भी हो, तब मजा आता है। तो बड़ा शेड्यूल बनाइए इसका पूरा, प्रायोरिटाइज कीजिए अपने वर्क को और लग जाइए उसके ऊपर, ठीक है, समझिए बेटा बात। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से अपनी इन हैबिट्स को मैनेज करना है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं बर्निंग क्वेश्चन नंबर 3 की, बर्निंग क्वेश्चन नंबर 3 की बेटा, दिल थाम के बैठिए, आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि सर सर्दी बहुत हो गई है, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, रजाई से निकला ही नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, सर बताओ ना मैं क्या करूं। अलग सर क्या कहते हैं, अलग सर सोच रहे हैं इस बच्चे का मैं क्या करूं। तो अलग सर कह रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अ बॉडी एड्रेस वांट्स टू स्टे एड्रेस। सर ने यहां पर भी फिजिक्स लगा दी है, सर ने यहां पर भी फिजिक्स लगा दी, सर हर जगह फिजिक्स लगाते हैं, सर फिजिक्स माय हो गए एकदम, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि अ बॉडी एड्रेस्ट वांट्स टू रिमेन एड्रेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, बट इस बच्चे का मैं क्या करूं।
क्या करूं क्या करूं क्या करूं। चलो देखते हैं बेटा, इन चीजों से पार पाने के लिए आपको चाहिए एक किक। यू रिक्वायर अ किक बेटा, आपको एक किक चाहिए। आपको एक्सटर्नल फिजिकल किक नहीं चाहिए। हालांकि इस केस में वो काम भी कर जाएगी, मम्मी को बोल दीजिए या भाई को बोल दीजिए कि भैया ऐसा है कि अगर मैं सुबह रजाई से ना निकलू तो गिव मी अ किक, ही विल किक यू, और आप जो है रजाई से एकदम बाहर निकल जाओगे, ठीक है। खैर खैर, यहां पर जिस किक की मैं बात कर रहा हूं वो है आपके इंटरनल किक की, आपके इंटरनल पैशन की। बेटा बेटा, एक्सटर्नल मोटिवेशन तब तक काम करता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो। जैसे ही आप इस वीडियो को करोगे बंद, आपका मोटिवेशन भी हो जाएगा खत्म। यू रिक्वायर इंटरनल मोटिवेशन, आपको एक इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, आपको एक इंटरनल किक चाहिए बेटा। अब फिर आप कहोगे सर कुछ थोड़ा सा समझाओ, व्हाट इज योर किक सर, सर आपकी किक क्या है, आपकी किक क्या थी उस समय जब आप प्रिपेयर कर रहे थे। तो चलो ठीक है बेटा, मैं आपको मेरी स्टोरी सुनाता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। जानना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो मेरे साथ क्या हुआ तो बेटा कमेंट करके बताओ कि यस सर हम जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था। वी वॉन्टेड टू नो वट वॉज योर किक, बट एनी वेज मैं बताने वाला हूं, तुम सुनते हैं ठीक है। तो बेटा, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज अ किड, मैं तब छोटा बच्चा था, बहुत शरारत करता था। नहीं, सीरियसली स्पीकिंग, तो मैं एक सिंसियर स्टूडेंट था, एक स्टूडियस स्टूडेंट था, ठीक है ना, और अच्छे से पढ़ाई करता था, क्लास में बहुत सिंसियरली पढ़ाई करता था, ठीक है ना, टीचर को बहुत अच्छे से सुनता था, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था और उनसे बहुत क्वेश्चंस पूछता था और कोशिश करता था कि क्लास में पढ़ाई गई सारी की सारी बातें मुझे समझ में आए, ठीक है ना। लेकिन मैं लेबोरियस नहीं था, मैं घर पर आकर उतनी मेहनत नहीं करता था, ठीक है, बट हां मैं क्लास में बहुत शिद्दत से चीजें समझता था। हाँ, लेकिन अगर कोई चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है तो उसके बारे में बेटा मैं सोचता रहता था कि मुझे क्या इसमें अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है, उसको कॉपी पे ड्रॉ कर करके देखता था, उसके बारे में मैं सोचता रहता कि ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा क्या हो रहा है यहां पर, ठीक है, मतलब ये दिस वॉज मी राइट। तो अब क्या हुआ, अब मैंने 11th क्लास के अंदर एक छोटा सा कोचिंग जो था वो ज्वाइन कर लिया था, एंड इट वॉज अ स्मॉल कोचिंग, एंड वहां पर थोड़े से बच्चे थे, मैक्सिमम मेरे स्कूल के ही बच्चे थे, ठीक है, और कुछ होंगे वहां पे 30-40 बच्चे 11th क्लास के, ठीक है, जो पढ़ रहे थे हम सब लोग, और वहां पे जो एग्जाम हुआ करते थे वहां पर मैं top 3, top 5 ऐसे में रहता था। तो आई वॉज लाइक कि यार नहीं यार, मेरा तो मामला सेट है, अपन नहीं तो और कौन, मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, इतनी सी दुनिया है और इस दुनिया में मैं 4th-5th नंबर पर हूं तो मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, ठीक है, गाड़ी चल रही है चलते रहने दो। तो घर पे ज्यादा मेहनत नहीं करता था, लेकिन लेकिन जो मेरा कोचिंग था वहां पर शिद्दत से मेहनत करता था, सारी बातें अच्छे से समझता था, पढ़ता था अच्छे से वहां पर मैं, और एग्जाम देता रहता था, गाड़ी चलती थी, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, एंड आई वॉज लाइक कि मेरा सिलेक्शन होना ही होना है भैया, सुपर कॉन्फिडेंट, आई वॉज अ सुपर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट कि मेरा नहीं तो और किसका सिलेक्शन होगा, आई एम गोइंग टू बी सिलेक्टेड इन IIT चाहिए, ठीक है। तो मेरे टाइम पर बेटा एक तो IIT का फॉर्म निकला, एक DTU, मतलब उस टाइम पे DCE बोलते थे, DCE और NSIT, DU के बेटा दो कॉलेज हैं, DCE और NSIT, अब तो वो DTU और NSUT बन गए हैं, NSTU बन गए हैं, ठीक है, बट मेरे टाइम पे वो DCE और NSIT थे, ठीक है, और उनका सेपरेट एग्जाम होता था जिसमें लगभग 5 लाख बच्चे वो एग्जाम को देते थे, ठीक है, और एक AI EEE नाम से पेपर होता था। सो आई वॉज लाइक कि या तो मुझे देखो IIT में जाना है, ठीक है ना, नहीं तो IIT में कुछ अच्छा नहीं मिला तो दिल्ली के कॉलेज में जो मिल जाए, क्योंकि आई वॉज अ दिल्ली एड, तो आई लाइक मैं दिल्ली में रहना, दिल्ली से बाहर जाना नहीं है, ठीक है। सो आई वॉज लाइक कि यार दिल्ली के अंदर DC NSIT है, इनके फॉर्म भर देते हैं एक बैकअप प्लान के लिए, और नहीं तो हमें तो IIT में ही जाना है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, इसलिए मैंने AI EEE का फॉर्म ही नहीं भरा, मैंने AI EEE का बेटा फॉर्म ही नहीं भरा, ठीक है ना, केवल और केवल मैंने IIT का फॉर्म भरा और मैंने DTU और NSIT का फॉर्म भरा,
ये दो फॉर्म मैंने हमने भरे थे। इसके अलावा मैंने एक आईपी का फॉर्म और भरा था उस टाइम पे, आईपी बेटा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में काफी सारे कॉलेजेस हैं उसके, ठीक है, उसका भी मैंने एक फॉर्म भर के रखा था। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो उसमें मैं जाने का मन तो था नहीं क्योंकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, आई वाज लाइक कि गवर्नमेंट की वैल्यू ज्यादा होती तो वहां चलेंगे हम, ठीक है, और हो ही जाएगा, बट फिर भी एक बैकअप के लिए भर देते क्योंकि AIEEE नहीं भर रहे तो कम से कम आईपी भर देते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन कॉलेज का फॉर्म बेटा मैंने भर दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले वहां पर आईआईटी के अंदर जो थे वो पेपर होते थे दो, कौन कौन से बेटा पेपर होते थे आईआईटी में बेटा, एक पेपर आपको होता है, होता था उस टाइम पे स्क्रीनिंग बोलते थे उसको, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग पेपर बोलते थे, ठीक है ना। और दूसरा जो पेपर होता था वो होता था एडवांस्ड, स्क्रीनिंग एंड एडवांस्ड, एडवांस बोलते या मेंस बोलते थे उसको, मेंस बोलते शायद, ठीक है ना, स्क्रीनिंग एंड मेंस, बट उसको एडवांस के नाम से समझ लेते हैं। स्क्रीनिंग वाज लाइक मल्टीपल करेक्ट और एडवांस वाज लाइक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जो बच्चा स्क्रीनिंग में क्वालिफाई होता था ना वो ही एडवांस देता था, जो स्क्रीनिंग में क्वालिफाई हो गया वो एडवांस देगा, ठीक है। तो मैं गया, मैंने अपना स्क्रीनिंग का पेपर दे दिया और स्क्रीनिंग का पेपर देने के बाद मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट गया और मैंने कहा कि सर हाँ अच्छा पेपर गया है मेरा, हो जाएगा, आप जो है मुझे एडवांस की तैयारी करना शुरू कर दो। मैंने एडवांस की तैयारी करना शुरू कर दिया वहां पे, ठीक है, एडवांस की तैयारी करना शुरू कर दिया वहां पे, एडवांस का बैच बन गया, 8-10 बच्चे उसमें आ गए और उसके अंदर हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। फिर आया आईआईटी स्क्रीनिंग का रिजल्ट, फिर आया बेटा आईआईटी स्क्रीनिंग का रिजल्ट, ठीक है बेटा। जब आईआईटी स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया एंड वो रिजल्ट मैंने देखा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उस पर लिखा था नॉट क्वालिफाइड एंड आई वॉज लाइक कि सर ये कैसे हो गया, मैं क्वालिफाई नहीं, मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, भगवान तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, लिटरली दैट वॉज माई फीलिंग्स। मैंने कोचिंग में फोन घुमाया कि सर किसी का सिलेक्शन हुआ, सर ने बोला किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, जब मेरा ही नहीं हुआ तो बाकी में किसका सिलेक्शन होना था, ठीक है ना। ओके, अगर एक आध का हुआ होगा तो आई डोंट रिमेंबर, बट मेजोरिटी का सिलेक्शन नहीं हुआ था उस टाइम पे, मेजोरिटी वॉज लाइक नॉट क्वालिफाइड, आई वॉज लाइक कि यार ये क्या हो गया, ठीक है, मतलब कॉम्पिटिशन इज वेरी फियर्स, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल बेटा यहाँ पर था ना, जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर था बेटा, वो टूट के यहाँ आ चुका था, खत्म हो चुका था मेरा कॉन्फिडेंस लेवल। उस दिन जब रिजल्ट आया ना बेटा, मैं रोता रहा रात पे, रात में मैं रोता रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया है मेरे साथ, मेरी जिंदगी किस तरीके से तबाह हो गई है, मेरे साथ क्या हो चुका है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। पूरी रात रोता रहा, सोचता रहा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मर जाऊं। खैर दुख सपाट, इससे लगभग 27 दिनों के बाद, लगभग 27-28 दिन से कुछ थे, एक महीने से 2-3 दिन कम थे बेसिकली, ठीक है ना। हमारा DCE का पेपर था, CEE बोलते थे उसको, CEE पेपर, ठीक है ना, ये पेपर 27 दिन। तो मैं गया अपनी एक लोकल बुक शॉप पे, तिलक नगर के अंदर एक बुक शॉप है, लांबा बुक डिपो कहते हैं उसको, उसका नाम है, ठीक है। वहां गया और वहां पर मैंने बोला कि भैया CEE के लिए ना कोई बुक दे दो, CEE के लिए बुक दे दो। मैंने किसी से नहीं पूछा मुझे कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, मतलब मैंने अपने कोचिंग में कॉल नहीं किया, मैंने अपने फ्रेंड को कॉल नहीं किया, मैंने अपने सर को कॉल नहीं किया, मैंने किसको, मैं किसके पास गया, मैं गया बुक शॉप वाले के पास, मैंने बोला CEE की बुक दे दो। कहता कौन सी बुक दूं, मुझे सबसे ज्यादा बिकती वाली बुक दे दे, जिसे सबसे ज्यादा बच्चे खरीदते हैं ना, तू वो वाली बुक दे दे। उसमें इतनी मोटी एक बुक पढ़ा दी, इतनी मोटी एक बुक पढ़ा दी, आर गुप्ता की एक बुक थी, इतनी मोटी बुक थी वो पढ़ा दी, उसमें फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी, तीनों सब्जेक्ट थे उसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन थे बेटा। यकीन करो, यकीन करो कि अगले जो ये मेरे 27 दिन बीते हैं, इट वॉज लाइक हेल। ये 27 दिन बीते ना मेरे, मैंने दिन में 14-15 घंटे पढ़ा है, 14-15 घंटे में पागलों की तरह पढ़ा हूं उस बुक को, ठीक है ना। डेली बेसिस पे मैंने 400 क्वेश्चन तो लगा डाले हैं उसके, 400 क्वेश्चन डेली बेसिस पर मैंने लगा दिए बेटा उस बुक के, ठीक है ना। मैं क्या करता था, उस बुक की स्टार्टिंग में ना एक फॉर्मूला लिस्ट दी होती थी, पहला पन्ना खुला फॉर्मूला लिस्ट आई, फॉर्मूला लिस्ट पढ़ ली, सारे फॉर्मूले पता है, जो नहीं पता उसको याद कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया, क्वेश्चन लगाया, एक घंटा बैठता था, टारगेट लेता था कि एक घंटे में 30 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना, 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो भी थे वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना, और पीछे सॉल्यूशन नहीं देखना, अटेम्प्ट करने, फटाफट अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। अटेम्प्ट करने के बाद मेरी एक आंसर की बन गई, आंसर की बनने के बाद एक घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट के ब्रेक में मैं पीछे देखता था कि मेरे आंसर की मैच करता था अपनी, खट खट आंसर की मैच करी, आंसर की मैच करने के बाद
मैंने देखा कौन से क्वेश्चन गलत है कौन से सही है, जो गलत है उनका एक बार मैं सॉल्यूशन देता था, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो गोला डाल के आगे बढ़ गया। मैंने उस दिन के बाद कोचिंग जाना छोड़ दिया। मैंने किसी से नहीं पूछा कि मेरे क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं कौन से नहीं बन रहे हैं, कि मैं क्या करूं मैं क्या ना करूं, आई नेवर आस्क्ड इट, ठीक है ना। मैं बस पागलों की तरीके से डेली बेसिस पर 300-400 क्वेश्चन करता गया। 27 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकला था बेटा, 27 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकला था। मेरे अंदर ना बेटा वो आग लग गई थी कि मेरे नाम के आगे ये नॉट क्वालिफाइड कैसे आ गया। दैट वॉज माई किक। जब भी मैं उस रिजल्ट को देखता था उसमें लिखा था नॉट क्वालिफाइड, अंदर बेटा एक जुनून जाग जाता था कि इसको तो फोड़ना है, अब यही आखिरी चांस है, यही मेरा आखिरी चांस है, ये नहीं तो फिर नहीं, ठीक है ना। अंदर इतना ज्यादा जुनून आ गया था कि मैंने 25 दिन जो थे वो पागलों की तरीके से पढ़ाई करी है बेटा। और फिर जिस दिन इसका रिजल्ट आया, उस टाइम पे मेरे पास बेटा इंटरनेट नहीं था, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को जिसका नाम है धनंजय की मोती, ठीक है ना, उसको हम प्यार से डीजे बोलते हैं, उसको अपना रोल नंबर दे रखा था। मैं कहा तू देख के बता दो कि क्या रिजल्ट आया मेरा, ठीक है। तो उसका कॉल आता है मेरे पास, मैं लैंडलाइन फोन उठाता हूँ, मोबाइल थे नहीं उस टाइम पर मेरे पास, लैंडलाइन पर मैंने फोन उठाया। मैंने बोला हाँ भाई धनंजय, सुबह सुबह का टाइम था, ठीक है, तो उसने कॉल किया, मैं उठाया, हाँ भाई, कहता रिजल्ट आ गया। मैं कहा आ गया, हाँ भाई क्या रिजल्ट रहा। He was like कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं ओके यार सॉरी। मैं कहा तुमने मेरा देखा। कहता हाँ हाँ भाई तो देख लिया, तो तेरा सिलेक्शन हो गया। मैं कहा अच्छा हो गया, चलो वेरी गुड। मैं एकदम खुश हो गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। एंड आई वॉज लाइक कि अच्छा कितना रैंक आया भाई। तो कहता तू गेस कर भाई तेरा कितना रैंक आया। तो उस टाइम पे जो कट ऑफ निकलती थी उनकी लगभग 2500 के आसपास, 2500-3000 के आसपास की कट ऑफ निकलती थी, ठीक है ना, जहाँ तक काउंसलिंग उनकी चलती थी 2500-3000 के आसपास तक, ठीक है। आई वॉज लाइक आ गया वो 2500 रैंक आ गया मेरा। तो नहीं भाई ऊपर जा, क्या बात कर रहा है, ऊपर जा। अच्छा मेरा 2000 आ गया होगा। कहता नहीं नहीं और ऊपर जा। मेरा 1500 आ गया होगा। कहता नहीं नहीं और ऊपर जा। मैं पागल पागल हो गया कुछ, 1500 रैंक भी तू कह रहा और ऊपर जा। कहता हाँ भाई और ऊपर जा, क्या मजाक कर रहा है तू और ऊपर जा। मैंने बड़ी फेंक दी। मैं 1000 रैंक आ गया होगा। कहता नहीं भाई और ऊपर जा। मैं कहा तू पागल हो गया, तूने किसी और रोहित को देख लिया, मेरा हो ही नहीं सकता रिजल्ट। आई वॉज लाइक सो लो, अपने इतना ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। मैं कहा 1000 रैंक तो तू पागल हो गया है, आ ही नहीं सकता है 1000 रैंक, तू कैसी बातें कर रहा है, 1000 रैंक इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कहता नहीं भाई तू और ऊपर जा। मगर तू चुपचाप बता रहा है कि मैं फोन रखूं और जाकर साइबर कैफे देख कर आऊं कि तेरा रैंक क्या आया है, ठीक है ना। अंदर से इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, लेकिन किसी तरीके से दबाया हूं उस खुशी को, ठीक है ना। वहां से मम्मी पूछे बेटा क्या हुआ। मेरा मम्मी अभी कुछ नहीं हुआ है, रुक जाओ, कुछ कन्फ्यूजन है, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी मैं जाके देख क्या होगा, ठीक है ना। तो कह रहा तो ऊपर तो जा, ठीक है ना। तो मेरा 800 पता नहीं और ऊपर जा। मैं कहा भाई तू बता दे वरना मैं फोन काट रहा हूँ। तो ही सेड योर रैंक इज 445, 445 रैंक है बेटा तेरा। एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड मैड, बट अपने पूरे इमोशंस को कंट्रोल करते हुए मैंने फोन रखा और मैं भागते हुए साइबर कैफे गया। वहां जाकर रैंक जब देखा मैंने अपनी आंखों के सामने, खुद से रोल नंबर डाल के पूरा नाम पढ़ा, फादर नेम पढ़ा, तब जाके मन को शांति हुई। माय रैंक वाज 445। जिस बंदे का आईआईटी स्क्रीनिंग क्वालिफाइड नहीं हुआ था, 25 डेज के अंदर डीसीई में 445 रैंक उसका आया, केवल 25 दिनों के अंदर, दिन रात। दैट इज व्हाट अ किक कैन डू टू यू। जब इंटरनल मोटिवेशन आपको मिल जाएगी ना, जब अंदर आपके आग लग जाएगी ना, जब अंदर से आपको वो किक मिल जाएगी ना, यू हैव टू सी व्हाट इज योर किक। और जिस दिन मैं एनएसआईटी के अंदर, मेरा एनएसआईटी में सिलेक्शन हो गया था बेटा, एनएसआईटी से मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में इंजीनियरिंग करी है अपनी, ठीक है। तो जिस दिन मैंने एनएसआईटी के कैंपस में अपना कदम रखा, I got my confidence back. I was like, मैं नहीं तो और कौन, अपुनिच गॉड है। I got my confidence back. मुझे लगा कि यार जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनके सर पे सींग नहीं होते हैं, उनके सर पे सींग नहीं होते, वो मेरे जैसे ही लोग होते हैं। अगर मैं कर सकता हूं दुनिया बेटा कोई भी कर सकता है, यकीन रखो बेटा आप भी कर सकते हो, लेकिन एक बार तो वो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, एक बार तो बेटा वो मेहनत करनी पड़ेगी, वो दबकर मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, वो उस जर्नी से निकलना पड़ेगा बेटा। जब उस जर्नी से निकल जाओगे ना, यू विल सी अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन योरसेल्फ। आप अपने अंदर बेटा एक ट्रांसफॉर्मेशन
फील करोगे। जो हम ये बेटा पढ़ा रहे हैं ना आपको, इट इज अ ट्रेनिंग। ये आपको ना, ये इसको आप एक पढ़ाई में समझो इसको, यानी कि हाँ हम आए पढ़ा के चले गए, बोल के चले गए, आपने सुन लिया, हो गया काम। इट इज अ ट्रेनिंग बेटा, इट्स अ वेरी टफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग है, आपको दर्द भी होगा, आपको चोट भी लगेगी, आपको परेशानी भी होगी, आप डिमोटिवेट भी होंगे, बहुत पेन होगा, लेकिन उससे फाइट करके आपको आगे निकलना है। और फाइट तभी रख कर पाओगे जब इंटरनली आपकी, आपको एक किक मिलेगी जब आप इंटरनली बेटा मोटिवेटेड होंगे। तो मेरी किक तो बेटा ये थी, आपकी किक क्या है? आपकी किक क्या है? व्हाई यू वांट टू बी, व्हाई यू वांट टू गो इनटू एन आईआईटी और इनटू एम्स? आप क्यों एक डॉक्टर बनना चाहते हो, या आप क्यों एक इंजीनियर बनना चाहते हो, या लाइफ में आप जो भी करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हो? इस चीज की एक किक जब आपके अंदर आ जाएगी ना बेटा, तो आप भी फिर कर जाओगे, आप भी फिर बेटा फोड़ दोगे, आप भी बेटा मचा दोगे। याद रखना इस बात को, ऑल यू नीड इज अ किक, नॉट द एक्सटर्नल किक, इंटरनल किक। मेरी मोटिवेशन बेटा तब तक है जब तक आप इस वीडियो को बंद नहीं करते, उसके बाद वापस से आपकी लाइफ उसी ढर्रे पर आ जाएगी। हो सकता है कि कुछ दो चार पांच घंटे के लिए चल जाए, एक दिन दो दिन के लिए चल जाए, उसके बाद आपकी लाइफ उसी ढर्रे पर आ जाएगी। एक्सटर्नल मोटिवेशन डजंट लास्ट लॉन्गर, इंटरनल मोटिवेशन, आपको अंदर से मोटिवेट होना है। अब आपकी किक क्या है? हो सकता है कि आपकी किक हो कि भाई मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं घर की, मुझे कुछ करना है, या आई नीड टू मेक माई नेम, आई डोंट नो, आई डोंट वॉन्ट, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक माई नेम, आई जस्ट कांट बियर रिटन नॉट क्वालिफाइड अगेंस्ट माई नेम, मुझे चाहिए, मुझे करना है, मुझे करना है। जिस दिन ये आ जाएगा कि मुझे करना है, आप कर डालोगे बेटा, यकीन करो आप कर डालोगे। ये यकीन करना बहुत जरूरी है, खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। जिस दिन ये विश्वास हुआ बेटा, आप फोड़ दोगे, आप फोड़ दोगे बेटा, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को इस सेशन में बहुत मजा आया होगा, ठीक है? एंड आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपके कुछ और मासूम क्वेश्चंस हैं जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं, तो बेटा आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाने की, ताकि हम आपके इन इश्यूज को एड्रेस कर सकें, ठीक है? तो बेटा इसी के साथ, स्टडी हार्ड, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बींग। मिलेंगे अगले लेक्चर में, सी यू टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।